लंदन JNN ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा किया गया है कि बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 100 फीट ऊंची खतरनाक लहरें इसका कारण हो सकती है, जिसके कारण समुद्री जहाज इस रहस्यमय बर्मुडा ट्रायंगल में गुम हो जाती है। बता दें कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री जहाज और प्लेन अचानक गायब हो जाते हैं। ये दुनिया का सबसे रहस्यमय इलाका है। यहाँ आसपास से गुजरने वाली हर चीज लापता हो जाती है, पानी का जहाज हो या हवाई जहाज। बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास जो भी गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। नासा के सैटेलाइट ने धरती की कुछ ऐसी तस्वीर खींची है जो बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा हटा सकती है। इनमें अटलांटिक महासागर में स्थित बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराते बादलों की भी तस्वीर है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 70 साल तक कोई वैज्ञानिक वहां जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाज और प्लेन विशेष भौगोलिक कारणों की वजह से अचानक समुद्री गर्त में घुसकर गायब हो जाते थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने बताया था कि बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य वहां की भौगोलिक स्थिति और खराब मौसम में छिपा है। इसकी वजह से अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में समुद्री जहाज और प्लेन गायब हो जाते थे। उस क्षेत्र में चुंबकीय घनत्व के प्रभाव की बात भी स्वीकार की गई है। बर्मुडा ट्रायंगल का ये क्षेत्र फ्लोरिडा, बर्मुडा और यूरेटिका के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के नजदीक है और अमेरिका के पास है। ये क्षेत्र उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक भाग है जिसमें कई प्लेन और जहाज गायब हुए। इसे डॉबलिस ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 100 सालों के दौरान यहाँ 1000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्प्टन के विशेषज्ञों का मानना है कि इस रहस्य को प्राकृतिक पकड़िया खतरनाक लहरों के तौर पर बताया जा सकता है। 1997 में दक्षिण अमेरिका के नट से सैटेलाइट द्वारा पहली बार यहाँ उठने वाली ऊंची लहरें दिखाई जा चुके हैं। मिनटों में खत्म हो जाती है इसकी ऊंचाई की जो लहरें है 100 फीट तक होती है इसकी ऊंचाई की लहराएं। बर्मुडा ट्रायंगल पर मंडराने वाले कुछ बादल आम बादलों से पूरी तरह अलग थे। सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ दिखा कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले कुछ बादलों का आकार हेक्सागन की तरह है। इन बादलों के नीचे 274 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता वाली तूफानी हवाओं का बमडर होता है। वैज्ञानिकों ने इस बमडर को एयर बम बताया जा रास्ते में आने वाली हर चीज को खुद में समा लेता है। यही एयर बम नीचे आकर समुद्र से टकराता है, इसके चलते ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। समुद्र में उठने वाली ये लहरें आसपास मौजूद हर चीज को निगल जाती है। उल्लेखनीय है कि 2000 से अधिक प्लेन और 1000 से अधिक जान लेने वाली इस ट्रायंगल के रहस्य पर से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। फ्लाइट 19 के बारे में तो आप सुने होंगे, इस क्षेत्र में गायब हुई थी। ये TBM युद्धक बम बरसक विमान की एक परीक्षण उड़ान थी जो अटलांटिक के ऊपर से गुजरते हुए 5 सितंबर 1945 को गायब हुई थी। एक और प्लेन मेरी स्लेटरी के सन 1872 में रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने का मामला भी आया था। इसके अलावा इस क्षेत्र से कई अन्य प्लेन और समुद्री जहाजों के लापता होने का भी मामला सामने आया था। अब तक के लिए इतना ही। अगली जानकारी के लिए और नया वीडियो, तब तक के लिए बाय, अलविदा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।